देना चाह रहे कि जैसो इतवार के दिन एक छोटा सा हादसा हुआ बंसे में, उसके वजह से पूरा बंसा शहर में चार पाँच दिन से लॉकडाउन कर्फ्यू का माहौल है। पूरे शॉप्स वगैरह बंद करके हमने ये कानून को लागू कर रहे हैं, तो इसीलिए अब उसके बाद में केसेस बुक करे और 22 लोगों का अरेस्ट भी हुआ और अभी थोड़े लोगों का भी अरेस्ट करना है, वो सिलसिला जारी है। और माहौल थोड़ा पीसफुल हो गया, इसीलिए हमारा फोर्सेस भी पिकेट्स पे है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। थोड़ा मामला पीसफुल है, इसीलिए कल से ये शॉप्स वगैरह खोलने का डिसीजन लिया गया। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी शॉपकीपरों से कि कल से वो शॉप्स सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक खुला लगाएंगे और 7 बजे लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी बाहर नहीं निकलेंगे, गैर जरूरी नहीं फिरेंगे। अगर कोई भी गैर जरूरी बाहर फिर रहे तो उनके व्हीकल्स भी सीज करके उनके ऊपर कोविड केसेस बुक करे जाएंगे। तो शॉपकीपर्स पूरे सवेरे 7 बजे से शाम में 6 बजे तक ओपन लगाएंगे। और इससे पहले जो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने ये 1-2 1-2 का जो मार्किंग किया था, वो हिसाब से कल हफ्ता है, हफ्ते के दिन 2 नंबर के शॉपा ही खुलेंगे, हफ्ते के दिन 2 नंबर शॉपा खुलेंगे और इतवार के दिन पूरे शॉपा बंद रहेंगे। और मंडे वेनसडे और फ्राइडे, मैं और एक बार दोहराता हूँ, मंडे वेनसडे फ्राइडे 1 नंबर के शॉप, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 2 नंबर के शॉप खुले रहेंगे। ये अगले इंफॉर्मेशन आए तक, अगली हिदायत आए तक ये कानून लागू रहेगा। सो मैं पूरे शॉपकीपरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो 6 बजे के पहले ही अपने शॉप्स बंद कर दिए जाए। स्वीट शॉप्स का अभी कोई भी हिदायत नहीं आया, अगर वो आएंगे तो हम लोग आप लोगों को इतला देंगे। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गैर जरूरी बाहर नहीं निकला और कुछ भी अफवाह फैल रहा है तो ये केसों के बारे में वगैरह हमारे से वो क्लैरिफिकेशन लेना और उसी का कोई भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि पूरे थोड़े जितने भी अफवाह फैला कर रहे हैं उनके ऊपर हमने कड़ी से कड़ी सख्त निगाह लगाए, हम लोग उनके ऊपर निगाह चल रहा है। अगर कोई भी वैसा करने का अगर कोशिश करे तो आइंदा उनके ऊपर भी केसेस बुक करके हम लोग उनको भी पीडी एक्ट लगाएंगे। और ऐसा हर टाइम बैंसा का माहौल खराब करते रहे तो ऐसा हम लोग देखते हुए चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग आपसे उनके ऊपर जो भी ऐसा उसमें ऐसा पूरा माहौल को खराब कर रहे उनके बारे में हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, उनके ऊपर हम नज़र लगा रहे और अगर आइंदा कुछ भी रहे तो